अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आई एम हेयर विद अनदर लेक्चर, दैट इज़ लेक्चर नंबर 61 फॉर क्लास 9, एंड वी आर ऑन अवर यूनिट नंबर 4, जिसमें हम लोग स्टडी कर रहे हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो जब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स देखते हैं तो हमें ये पता है कि मॉलिक्यूल इज़ मेड अप ऑफ वन और मोर एटम। तो एटम जो हैं वो जब एक दूसरे के करीब आते हैं, एक दूसरे से बॉन्ड बनाते हैं, बिकॉज ऑफ दैट अ मॉलिक्यूल इज़ फॉर्म्ड। तो हम लोगों ने अभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग देखी है, जैसे कि आयनिक बॉन्ड है, हमने मेटेलिक बॉन्ड देखा, कोवेलेंट बॉन्ड देखा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड देखा। तो इस तरह से दो एटम्स जो हैं जब एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो वो बॉन्ड जो उनके बीच में बॉन्ड बनता है उसकी वजह से वो मॉलिक्यूल बनता है। अब जब मॉलिक्यूल बन चुका है तो एक मॉलिक्यूल किसी दूसरे मॉलिक्यूल को भी अपने साथ अट्रैक्ट कर सकता है। उसको उनके दरमियान में ये जो अट्रैक्शन की फोर्सेस होती हैं इनको हम लोग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस का नाम देते हैं। जैसे कि अगर आप कहें कि अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड की, जिसमें एक एटम जो है हाइड्रोजन का है, सेकेंड एटम जो है वो क्लोरीन का है। तो पहले ये एटम है, हम लोगों ने देखा कि इसमें ये कोवेलेंट बॉन्ड एक दूसरे के साथ बनाते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह से कि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में वन इलेक्ट्रॉन है और उसको अपने डाइवेलेंट रूल को फुल करने के लिए टू इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो वन इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी इसके पास है, अब इसको वन मोर इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। सिमिलरली क्लोरीन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में सेवन इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं और इसने अपने ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करना है। मैं सिर्फ यहाँ पे बात कर रही हूँ आउटर मोस्ट शेल की। तो इसने अपने ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करना है तो उसके लिए इसको ऑक्टेट यानी एट एट आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तभी ये क्लोरीन स्टेबल होता है। तो चूंकि इसके पास सेवन है तो इसको वन मोर चाहिए। तो जब ये हाइड्रोजन और क्लोरीन एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं, तो वो बॉन्ड जो कहलाता है दोनों के बीच में, दैट इज़ कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, सॉरी दैट इज़ कॉल्ड एज कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह से होगा कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में ये जो एक एक इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे के साथ ये लोग शेयर करेंगे अपना एक सिंगल इलेक्ट्रॉन। इस तरह से इन्होंने ये बॉन्ड बेयर बना दिया है, ये दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर किया है और इस तरह से इनके बीच में जो बॉन्ड बना है और इस बॉन्ड बनने की वजह से हाइड्रोजन और क्लोरीन जो हैं एक दूसरे के साथ अटैच हो गए हैं। दोनों की जो वैलेंसीज हैं वो फुलफिल हो चुकी हैं, हाइड्रोजन के पास अब टू इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं, सिमिलरली क्लोरीन के पास अब एट इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में आ चुके हैं बिकॉज ऑफ दिस शेयरिंग। अब क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो चुके हैं, दैट इज़ वाई अब ये स्टेबल फॉर्म में आ चुके हैं। ये जो बॉन्ड बनता है ये होता है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, जो एक एटम और दूसरे एटम यानी कि टू एटम सिंगल एटम्स के बीच में ये बॉन्ड बनता है, यानी कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के एटम्स के बीच में ये जो बॉन्ड कहलाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज केमिकल बॉन्ड। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्यों होता है, बिकॉज कि इसके अंदर दोनों जो एटम्स हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दोनों स्टेबल फॉर्म में आ जाते हैं और स्टेबल फॉर्म में आने की वजह से इन, क्योंकि इनको अपनी स्टेबिलिटी को बरकरार रखना है, मेंटेन रखना है, इसलिए इन्होंने अपने एक दूसरे के साथ जब बॉन्ड बनाते हैं, अटैच होते हैं, तो बहुत ज़्यादा पावरफुल बॉन्ड बनाएंगे, बहुत ज़्यादा फर्म और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा जिसको ब्रेक करना इतना आसान नहीं है। ये बात हो गई है केमिकल बॉन्ड की, जो एक एटम और दूसरे एटम के बीच में प्रेजेंट होता है। एक दफ़ा ये केमिकल बॉन्ड बन गया, दोनों एटम्स ने मिलके हाइड्रोजन क्लोराइड का मॉलिक्यूल बना लिया है, HCl का मॉलिक्यूल बन गया है। अब अगर हम लोग देखें, दिस इज़ कॉल्ड एज अ मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल है। तो अगर हम लोग इसकी तरफ देखें तो हाइड्रोजन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या है कि क्लोरीन चूँकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसीलिए इसके बीच में ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है जो शेयर हो रहा है दोनों के बीच में, वो जो है उसका न्यूक्लियस, क्लोरीन के न्यूक्लियस की इसके ऊपर पावर ज़्यादा होगी, इसके ऊपर ग्रिप ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को थोड़ा अपनी तरफ ज़्यादा खींच लेंगे। ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये शेयर्ड हैं, ये ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन के से ट्रांसफ़र होकर हाइड्रोजन ने कम्प्लीटली एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया और वो कम्प्लीटली क्लोरीन के अंदर शिफ्ट हो चुका है, ऐसा नहीं है। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये शेयर हो रहे हैं दोनों के बीच में, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में।
और इस वजह से जब हम इनके ऊपर साइन लगाते हैं वो होता है पार्शियलिटी के साइन से हम इसको मेंशन करते हैं, जिसमें डेल्टा का साइन यूज़ होता है। पार्शियलिटी का मतलब ये है कि हम इसके ज़रिए इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी और इलेक्ट्रो नेगेटिविटी को शो करते हैं। यानी कि यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब ये हुआ, जब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन ने कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दिया था, और क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है तो इसका भी हरगिज़ मतलब ये नहीं होगा कि क्लोरीन ने कम्प्लीटली एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया था। बल्कि यहाँ पे जो पार्शियलिटी का साइन है वो ये शो करता है कि जो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना था, जो कि कोवेलेंट बॉन्ड था, केमिकल बॉन्ड जो इन दोनों के बीच में बना था, वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बना था। और वो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, लेकिन उनका झुकाव जो है वो ज़्यादा क्लोरीन की तरफ है और वो हाइड्रोजन से थोड़ा सा दूर हैं, क्लोरीन के थोड़ा सा पास है, यानी कि क्लोरीन से उनका डिस्टेंस कम है और हाइड्रोजन से उनका डिस्टेंस ज़्यादा है। दैट इज़ वाई यहाँ पे थोड़ी बहुत जो चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है, और उसकी वजह से हम लोग पार्शियलिटी का साइन, ये डेल्टा का साइन यूज़ करते हुए हम लोग हाइड्रोजन को रेफर करते हैं कि पार्शियल पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो हाइड्रोजन से थोड़ा सा डिस्टेंस, ज़्यादा डिस्टेंस पे है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन से कम डिस्टेंस पे मेंटेन हुए हुए हैं। अब हम लोग अगर बात करते हैं, ये हमारे पास हो गया है सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। अगर इसी तरह इसके साथ एक और मॉलिक्यूल आके अटैच होता है तो जाहिर सी बात है जब हम लोग हाइड्रोजन क्लोराइड की बात करते हैं तो हम ओवरऑल एक ml की बात करेंगे, यानी कि 25 ml हमने हाइड्रोजन क्लोराइड ले लिया, या 10 ml ले लिया, या 0.5 ml ले लिया, तो उसमें हमेशा एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब ये एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ये एक सिंगल मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन क्लोराइड का, दूसरा मॉलिक्यूल ये है हाइड्रोजन क्लोराइड के जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव से हम साइन आइडेंटिफाई करते हैं इनको, तीसरा मॉलिक्यूल ये है फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन क्लोराइड का। तो अब अगर आप यहाँ पे थोड़ा देखें तो यहाँ पे जो बेशक इनके ऊपर पार्शियलिटी के साइन हैं, पर इनके ऊपर ऑपोजिट चार्जेस यहाँ पे जो होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट ज़रूर करेंगे। यानी कि क्लोरीन का जो नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज है वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसके साथ बॉन्ड बना देता है। सिमिलरली इस मॉलिक्यूल का जो क्लोरीन है वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन जो पार्शियली पॉजिटिव है उसके साथ बॉन्ड बनाता है, उसके साथ अटैच अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप कर लेता है बिकॉज ऑफ द ऑपोजिट चार्जेस। तो यहाँ पे आप देखें जो जो फोर्सेस मॉलिक्यूल्स के बीच में डेवलप होती हैं दे आर कॉल्ड एज इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये वाले अगर बॉन्ड की बात करते हैं, ये वाले बॉन्ड की बात करें तो ये वाला बॉन्ड इज़ कॉल्ड एज केमिकल बॉन्ड, जो मॉलिक्यूल के अंदर होता है, यानी कि बिटवीन द एटम्स प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर हम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करें तो ये वो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं जो मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है, एटम्स के बीच में नहीं बल्कि मॉलिक्यूल्स के बीच में होती हैं। यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं तो टू एटम्स आर प्रेजेंट एंड ओनली वन मॉलिक्यूल वी आर टॉकिंग अबाउट, और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच की बात हो रही है। यहाँ पे जो ये बॉन्ड है हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में, जो एक लाइन है दैट शोज़ द केमिकल बॉन्ड, और ये जो डॉटेड लाइन है दैट शोज़ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में अगर हम बात करें तो दीज फोर्सेस आर रिलेटिवली वीक एज़ कम्पेयर टू द केमिकल बॉन्ड। अगर हम लोग हाइड्रोजन क्लोराइड इस वाले बॉन्ड की अगर पावर को देखें और ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को देखें तो दोनों को कंपेयर करें तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो क्वाइट वीक होती हैं एज़ कम्पेयर टू द केमिकल बॉन्ड। यानी कि केमिकल बॉन्ड को ब्रेक करने में ज़्यादा मुश्किल है, उसको ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, लेकिन अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करें तो इनकी ये जो अटैचमेंट है इसको दूर करने के लिए, अटैचमेंट अट्रैक्टिव फोर्सेस को ख़त्म करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी को प्रोवाइड नहीं करना पड़ता। उसके अलावा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में एक और बात क्या है कि वो ये तमाम किस्म के एटम्स या एलिमेंट्स के बीच में एग्जिस्ट करती है। यानी कि कोई भी एटम है जैसे जिनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस प्रेजेंट हो, वो वाले एलिमेंट्स जो हैं एक दूसरे को ज़रूर अट्रैक्ट करेंगे बिकॉज ऑफ देयर ऑपोजिट चार्जेस। उसके अलावा ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं ये सिर्फ तभी एक्टिव होती हैं जब मॉलिक्यूल्स जो हैं एक ख़ास डिस्टेंस पे एक दूसरे के आ जाएं। जैसे कि अगर हम लोग गैसेस की बात करते हैं, गैसेस में जैसा कि आप जानते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स हैं गैसेस के या एटम्स हैं या पार्टिकल्स जो आप कहते हैं, दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर।
बिकॉज़ ऑफ देयर डिस्टेंसेज, उनके डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होते हैं, इस वजह से उनके दरमियान में कोई भी अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप नहीं हो सकती हैं उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान में। तो उसकी वजह से जो ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं ये बहुत ज़्यादा वीक या ना होने के बराबर होती हैं इन द गैसियस मॉलिक्यूल्स। अगर गैसियस मॉलिक्यूल्स को हम करीब ले आते हैं एक दूसरे के, तब ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उनके दरमियान में डेवलप हो सकती हैं। इसी तरह अगर हम लिक्विड्स की बात करें तो लिक्विड में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो गैसियस स्टेट के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, बिकॉज द लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एज़ कम्पेयर टू द गैसियस स्टेट। इसी तरह सॉलिड में ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। अगली बात क्या है कि ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, जब ये किसी भी कंपाउंड में ये डेवलप होती हैं बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, तो उस वक्त ये मॉलिक्यूल्स को स्ट्रेट लाइन में सेटअप कर देती हैं। जिस तरह यहाँ से मैंने आप लोगों को अगर शो किया है तो ये डायगनली शो हो रहे हैं, अगर लेकिन मोस्टली ये जो है मॉलिक्यूल्स को स्ट्रेट लाइन में एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट के साथ जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मॉलिक्यूल्स को अरेंज कर देते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास ये है हाइड्रोजन क्लोरीन का सिंगल मॉलिक्यूल, उसके साथ नेक्स्ट होगा वो जो स्ट्रेट लाइन में उसके साथ आ जाएगा, इस तरह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड को स्पेसिफिकली अरेंज कर देते हैं। तो ये जो फोर्सेस हैं जो एटम्स एक कंपाउंड के अंदर, अब आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि वो फोर्सेस जो एटम्स को एक कंपाउंड के अंदर आपस में जोड़े रखती हैं वो फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, और उनको हम लोग कहते हैं कि दीज आर केमिकल बॉन्ड्स। ये जो स्ट्रेट लाइंस हैं दीज आर कॉल्ड एज केमिकल बॉन्ड्स, जो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड के ज़रिए शो हो रहा है। जबकि अगर हम लोग इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेज की बात करें तो ये मोलिक्यूल्स के बीच में डेवलप होती हैं, ये रिलेटिवली वीक फोर्सेज होती हैं जिनको ब्रेक डाउन करना बहुत ज़्यादा ईजी होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड मॉलिक्यूल के दरमियान की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में अभी स्टडी किया है। उसके अलावा अबाउट 17 किलो जॉल ऑफ एनर्जी चाहिए होती है अगर हमने इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ना है बिटवीन द हाइड्रोजन एंड द क्लोरीन। मैंने ऐसा ज़रूर कहा है कि ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं ये बहुत ज़्यादा वीक होती हैं एज़ कम्पेयर टू कोवेलेंट बॉन्ड या एज़ कम्पेयर टू केमिकल बॉन्ड, पर ऐसा भी नहीं है कि ये बिल्कुल ही इनके अंदर ज़ीरो एनर्जी हो, कि इसको ब्रेक करने के लिए हमें ज़ीरो एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो। बिकॉज मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ अट्रैक्टेड हैं बिकॉज ऑफ द ऑपोजिट चार्जेस, तो उनको भी सेपरेट करने में कुछ हद तक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और उस एनर्जी को प्रोवाइड करके ही हम इस अट्रैक्टिव फोर्सेस को ओवरकम करके इनको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं जैसे कि अगर हम अब कंपेयर करें कि अगर हमें ये हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच के केमिकल बॉन्ड को ब्रेक करना है तब कितनी एनर्जी चाहिए होगी, तब हमें चाहिए होगी 430 किलो जौल पर मोल। सिमिलरली अगर हमें ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करना है बिटवीन हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो उस वक्त हमें जो एनर्जी चाहिए होगी दैट वुड बी 17 किलो जौल पर मोल। तो अब आप कंपेयर कर सकते हैं इनकी पावर के किस हद तक जो है ये वीक हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि ये 1% होती हैं एज इफ़ेक्टिव एज अ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड जो बहुत स्ट्रॉन्ग था, जिसको जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग की वजह से हो रहा है कोवेलेंट बॉन्ड जो यहाँ पे बना हुआ है, उसको जो एनर्जी चाहिए ब्रेक डाउन करने के लिए दैट इज़ 430 किलो जौल पर मोल। लेकिन अगर हम लोग इस इंटरमोलिक्यूलर फोर्स की बात करें जो हाइड्रोजन पार्शली नेगेटिव क्लोरिन और पार्शली पॉजिटिव हाइड्रोजन के दरमियान में प्रेजेंट है, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए जस्ट 17 किलो जौल ऑफ एनर्जी चाहिए। तो इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है बिटवीन द स्ट्रेंथ्स ऑफ द इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड या फिर केमिकल बॉन्ड। तो ये था हमारा आज का लेक्चर इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर। देयर आर फर्दर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस, जिसमें हम लोग अपने कोर्स में स्टडी करेंगे अबाउट द डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और उसके अलावा हम लोग आगे लेक्चर यहीं से कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आई हो। अगर यहाँ तक आपको कोई चीज़ मुश्किल लगे तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।